तो स्वागत है हमारे केजीएन यूट्यूबर कुशीनगर में। और आज का टॉपिक है लॉकशीट कैसे भरेंगे। जो नए ऑपरेटर होते हैं उनको थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है कि लॉकशीट कैसे भरे, कहाँ कहाँ क्या चीज़ भरना चाहिए, वो थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है। तो उसके बारे में बताऊंगा। और एक चीज़ आप लोग और बता दूँ, लॉकशीट जब तक नहीं भरोगे और साइन नहीं कराओगे तब तक आपका जो बिल है, पेमेंट है, वो पास नहीं होगा, आपका पेमेंट नहीं आएगा। तो लॉकशीट है जो साइन करना है आप लोग को और भरना है और सिग्नेचर भी करवाना है आप लोग को। जब तक लॉकशीट भरवा के सिग्नेचर नहीं कराओगे तब तक आपके सेट के पास पेमेंट नहीं जाएगा और बिल भी नहीं पास होगा। ठीक है, तो कैसे कैसे क्या चीज़ भरना है, आप लोग कैसे वीडियो में बने रहिए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर लो ताकि डेली नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे। तो आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप करके ना जाओ, स्किप करोगे तो आप लोगों को पता नहीं चलेगा। और एक चीज़ आप लोगों को और बता दूँ, जब आप लोग लॉकशीट साइन करते हो तो संडे का अगर आपका 10 घंटा ड्यूटी है, अगर मतलब 10 घंटा ड्यूटी है, 24 घंटे में गाड़ी आपका नहीं है, तो वहाँ संडे को जो रहेगा वहाँ संडे लिख देना, मतलब क्रॉस करके संडे लिख के फिर क्रॉस कर देना। और वहाँ सिग्नेचर नहीं होता, संडे को सिग्नेचर नहीं होता, वहाँ संडे लिख देना, बस आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। और दूसरा नंबर पर ये आते हैं कि जिस दिन छुट्टी रहेगा, हॉलीडे रहेगा, उस दिन भी साइन नहीं होता है, ठीक है, सिग्नेचर नहीं होता है। वहाँ भी आपका जो हॉलीडे रहेगा, हॉलीडे लिख के, जो भी त्यौहार है हॉलीडे नहीं समझा तो हॉलीडे लिख के क्रॉस करके, मतलब ऐसे क्रॉस करके वहाँ हॉलीडे लिख दो, और वहाँ भी सिग्नेचर नहीं होता, बाकी दिन हर दिन सिग्नेचर होता है। तो ये कन्फ्यूजिंग था। और आज के वीडियो हम लोग शुरू करते हैं कैसे लॉकशीट भरते हैं, चलिए शुरू करते हैं। तो ये है मेरा जो कंपनी है, नंबर एक पर जो लिखा है प्रोजेक्ट नेम, ठीक है, प्रोजेक्ट नेम में जो है आपका किसके अंडर गाड़ी चल रहा है, ठीक है, आप लोग को पता करना है। पता कैसे करोगे, आप लोग जो गेट पास बना होगा, गेट पास आपका कंपनी का नाम लिखा रहेगा किसके अंडर गाड़ी चल रहा है, ठीक है, कौन से कंपनी का अंडर गाड़ी चल रहा है वो लिखा रहेगा, ठीक है। और दूसरा नंबर पे आते हैं नेम ऑफ ड्राइवर, लिखा है ना, तो यहाँ अपना लिखिएगा मिस्टर, मेरा नाम है मिस्टर अशरफ अंसारी, मैं ड्राइवर हूँ, तो अपना नाम लिख लूँगा, ठीक है। और तीसरा नंबर जो है इक्विपमेंट डिस्क्रिप्शन जो लिखा है, इसमें लिखना है आपका जेएलजी बूम लिफ्ट 600 एजे मेरा है, 60 फीट का है, तो जेएलजी बूम लिफ्ट 600 एजे लिख दूंगा इसमें, ठीक है। ये तीसरा कन्फ्यूजिंग आप लोगों को दूर हो गया, ठीक है। अब आते हैं चौथा पे, चौथा आप लोगों को दिख रहा है इक्विपमेंट सीरियल नंबर, सीरियल नंबर होता है आपका जो गाड़ी होगा ना उस पर सीरियल नंबर लिखा रहता है, तो सीरियल नंबर यहाँ लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ साइड में ऐसा क्रॉस करके आप लोग जो मंथ होगा मंथ लिख दीजिएगा, मेरा नवंबर चला तो या नवंबर 2021 लिख दिया, ठीक है, ये कन्फ्यूजिंग आप लोगों को दूर हो गया। अब आते हैं डेट पे, ठीक है, तो डेट पे यहाँ जो आप लोग देख सकते हो, यहाँ डेट में जितने तारीख से काम कर रहा हूँ उतना डेट लिखना पड़ेगा। मैं एक तारीख से कर रहा हूँ तो एक तारीख एक रहा मैंने 2021 लिख दूंगा। और स्टार्ट टाइम बोले तो अपना जो ड्यूटी कर रहे हो कितने घंटा आपका ड्यूटी है उसके हिसाब से लिखना पड़ता है, ठीक है। आपका 10 घंटा है तो आप अगर 9 बजे से आपका 10 घंटा है तो 9 बजे से ड्यूटी है, ठीक है, 9 AM लिख देंगे इधर, ठीक है। और इधर आउट टाइम में 10 घंटा ड्यूटी है तो 7 बजे आपका 10 घंटा पूरा होता है, इधर 7 PM लिख देंगे, ठीक है। और इधर जो टोटल आवर्स लिखा है कितना अगर ओटी किए हैं तो ओटी यहाँ लिख देंगे, मतलब टोटल मिला के यहाँ स्टार्ट टाइम मान लीजिए लिख दिया, ठीक है, स्टार्ट टाइम 9 बजे, अगर ओटी किए हैं 12 बजे तक तो 12 PM लिख दीजिए, या 12 बजे रात को करेंगे तो AM चालू होता है ना, तो यहाँ मान लीजिए 11 बजे रात में तक कम किए हैं तो 11 PM लिख दीजिए, ठीक है, 12 बजे तक नहीं किए हैं तो। उसके बाद टोटल आवर्स कितना हो रहा है ओटी वगैरह में रहकर यहाँ टोटल लिख देंगे। और यहाँ जो साइड इंचार्ज का होगा या सुपरवाइजर का, यहाँ सिग्नेचर ले लेंगे। और मैं जो भरा है वो दिखाता आप लोगों को कैसे भरे हैं और कैसे भरते हैं। ये लॉकशीट वो है जो मैं भर दिया हूँ, ठीक है। तो कैसे कैसे भरा आप लोगों को बताता हूँ। ये जो फर्स्ट नंबर आप लोग देख सकते हो प्रोजेक्ट नेम है, मतलब कौन से कंपनी में आपका गाड़ी चला वो नाम लिख दियो, REL मतलब शॉर्टकट में रिलेबल है, लेकिन शॉर्टकट में लिख दिया रिलेबल कॉन्ट्रैक्ट LRP है तो लिख दिया। ये चीज़ आपको गेट पास जो मिला है गेट पास पे लिखा रहेगा, ठीक है, तो ऐसे ही भर देना आपका। और दूसरा नंबर आते हैं नेम ऑफ ड्राइवर में, मिस्टर अशरफ अंसारी लिख दिया, देख सकते हो। और तीसरा नंबर इक्विपमेंट डिस्क्रिप्शन जो लिखा है उसमें जेएलजी बूम लिफ्ट 45 फीट है तो 45 फीट एज लिख दिया। और इक्विपमेंट सीरियल नंबर है तो सीरियल नंबर देख सकते हो, सीरियल नंबर में लिख दिया गाड़ी का अपने। और यहाँ डेट में आते हैं, डेट में एक तरह से काम करो तो एक तरीके का मैं 2021 लिख दिया। और मेरा 10 घंटा ड्यूटी है तो 9 बजे मेरा टाइम स्टार्ट होता है तो 9 AM लिख दिया हूँ। और यहाँ 7 बजे तक आपका 10 घंटा पूरा होगा ना, तो हमारे कंपनी में ये रूल है, जिसके कंपनी में मतलब काम कर रहा, जिसका गाड़ी चला रहा, मतलब जिस कंपनी में अभी गाड़ी चल रहा है उस कंपनी में ये रूल है जितने घंटा गाड़ी चलाए उतने घंटा तक साइन ले सकते हो, ठीक है। तो मैं 6 बजे तक चलाया तो 6 बजे तक साइन लिया, 9 घंटा हो रहा है 9 घंटा ले लिया। अगर आप ओटी किए रहो तो यहाँ 11 बजे या 10 बजे जो भी किए रहो तो यहाँ डाल देना 11 बजे 11 PM और यहाँ जितना टोटल हो रहा है उतना घंटा यहाँ लिख देने का। और यहाँ जो आपका जो साइड इंचार्ज होंगे या सुपरवाइजर होगा उनका सिग्नेचर लेना, बस आपका और कुछ काम नहीं होता है, बस यही है लॉकशीट भरना।